जो लोग काले पैसे के साथ के व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको झटका लगा है, और ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा कि लोग पैसे घर पे नहीं बैंक में रखेंगे। देखिए, हिंदुस्तानी नहीं कमा रही है इस वक्त तो रॉक ऑन कैसे कमाएगी। लोगों के पास पैसे नहीं है घर पे, तो आई थिंक लास्ट थिंग जो था अनफॉर्चुनेट था हमारे लिए, क्योंकि मेरे ख्याल से रॉक ऑन एक बहुत अच्छी फिल्म थी, और जिनके पास अभी भी कुछ पैसे हैं तो जाके देखिएगा प्लीज़। मगर हाँ, इट वॉज़ अनफॉर्चुनेट, बहुत ही टाइमिंग जो थी बहुत बुरी टाइमिंग थी किसी भी फिल्म के लिए, सिर्फ रॉक ऑन के लिए नहीं, जो इतने भी फिल्में रिलीज हुई थी या फिर थिएटर्स में भी थे, सबके बिजनेस को अफेक्ट हुआ है। मगर लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से ये हमारे देश के लिए एक अच्छा मूव है कि हम ब्लैक मनी और यू नो जो लोग काले पैसे के साथ के व्यापार से जुड़े हुए हैं उनको झटका लगा है, और ये हमारे देश के लिए अच्छा होगा कि लोग पैसे घर पे नहीं बैंक में रखेंगे, टैक्स भरेंगे, और यू नो इंटरेस्ट रेट्स कम होंगे, बैंक्स विल गेट रिचर, और जो लोग हैं और जो हमारे देश है जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से या फिर यू नो क्वालिटी ऑफ लाइफ के हिसाब से सबकी लाइफ और बेटर हो जाए। दिक्कत तो हम सबको आई है, मैं भी आप जैसा ही हूँ, जिन लोगों को दिक्कत आई है उतनी दिक्कत मुझे भी आई है, मगर ये झेलना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं जब आप एक अच्छी एक अलग रास्ते पे चलना चाहते हैं।